ओके तो आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। मैं हूँ प्रो विरकेंड। इस फोन से रिलेटेड इतने सारे कमेंट है कि इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह, इसके हैंड्स ऑन वगैरह कब आ रहे हैं। तो ये है मोटो का G51। कुछ टाइम से मोटो बहुत कमाल का काम कर रहा है और ये 5G फोन है इनकी तरफ से 15,000 रुपए में। तो इसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको ये बॉक्स देखने को मिलता है। जैसे इस बॉक्स को खोलोगे तो सबसे टॉप पे फोन रखो मिल जाएगा। कवर ऑलरेडी लगा हुआ है एंड ये कलर काफी अच्छा लगता है दिखने में। इसके नीचे आपको ये पाउच सा मिल रहा है, उसमें आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है और लास्ट में आपको एक 20 वोल्ट का चार्जर और एक टाइप सी केबल मिलती है। बट बार की तरह यहाँ पे आपको कोई भी स्क्रीन प्रिंटर लगा हुआ नहीं मिलता, तो पहले दिन ही आपको टेम्पर्ड ग्लास ऑर्डर करना पड़ेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जहाँ जाके आप ग्लेजिंग का एक प्री ऑर्डर कर सकते हो टेम्पर्ड ग्लास, जो कि बहुत प्रीमियम होता है क्योंकि हर तरफ से ये कर्व देखने को मिलता है और फुल एच टू एच रहता है, तो आपका कोई कंटेंट नहीं कटता। तो अभी जाके प्री ऑर्डर कर लो ताकि जैसे स्टॉक में आए 28 तारीख को तो आपको ये शिप हो जाए और पहले दिन ही आप फोन खोलो तो टेम्पर्ड ग्लास लगा सको। एंड एक चीज इनके फोन में कुछ कॉमन दिख रहा है कि ये कैमरा मॉड्यूल और डिजाइन जो है बहुत सेम बनाते जा रहे हैं। मोटो E40 में भी ऐसे था, मोटो G31 में भी ऐसे और ये भी बिल्कुल सेम है। बट इसका मतलब ये नहीं है फोन दिखने में खराब है। स्पेशली ब्लू कलर तो बहुत ही कमाल का लग रहा है इस फोन का। फोन हल्का सा कह सकते हो मोटा है, बट लाइटवेट भी काफी है, कंफर्टेबल भी है फोन। फिजिकल ओवरव्यू करें तो नीचे आपको एक हेडफोन जैक मिलता है, एक आपको माइक मिलता है और एक आपको टाइप सी पोर्ट भी मिल रहा है, स्पीकर भी मिल रहा है वहां पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे तो आपको एक पावर बटन है, उसी के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, उसके ऊपर थोड़े से वॉल्यूम बटन है एंड उसके ऊपर और एक बटन है जो छोटा सा है, इससे आप गूगल असिस्टेंट लॉन्च कर सकते हो। लेकिन एक बात है कि ये फोन छोटा नहीं है देखो, और बटन काफी ज्यादा ऊपर जाते जा रहे हैं। तो आई थिंक मोटो वालों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन बटन प्लेसमेंट पे। बट अगर टॉप पे देखोगे तो एक अच्छी खबर है कि यहाँ पे एक और माइक मिलता है, जिससे आपकी कॉल क्वालिटी तो डेफिनेटली अच्छी होने वाली है। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक सिम ट्रे मिलता है, जिसमें आप या तो 2 सिम यूज कर सकते हो या 1 सिम और 1 SD कार्ड। एंड आई थिंक ये दिक्कत हो सकती है क्योंकि जैसे इस फोन को आप सेटअप करोगे, या सामने वही मोटो की UI सुपर क्लीन, सुपर स्टेबल, बिल्कुल भी ब्लोटवेयर नहीं। लेकिन सेटिंग्स में जब मैं गया तो स्टोरेज चेक की तो ऑलरेडी सिस्टम ने, इतने क्लीन सिस्टम ने 19 GB ऑलरेडी यूज की हुई है 64 GB में से। और दिक्कत ये नहीं है कि इसने यूज़ की है, वैसे दिक्कत है कि इतने क्लीन फोन ने इतना क्यों डाटा यूज़ किया है, बट 64 GB वाला ही वेरिएंट लॉन्च किया है और वैसा स्लॉट दिया है जिसमें आप या तो 2 सिम यूज़ कर पाओगे या 1 सिम और 1 SD कार्ड। तो आई थिंक दिक्कत हो सकती है कुछ लोगों के लिए, स्टोरेज कम पड़ सकती है। वैसे जो सामने आपको देखने को मिल रही है ये एक LCD डिस्प्ले है, और मैंने कई बार कहा है कि सस्ती AMOLED से अच्छा है एक अच्छी LCD, और ये वो अच्छी LCD है। ये एक 6.8 इंच की 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करने वाली सुपर स्मूथ डिस्प्ले है। वाइड वन L1 भी सपोर्ट करती है, नेटफ्लिक्स Amazon प्राइम फुल HD में चल जाते हैं। बाहर इस फोन को लेके जाओगे तो इतनी ब्राइट है डिस्प्ले कि आप आसानी से इवन डायरेक्ट सनलाइट में भी इसे यूज कर सकते हो। वैसे अगर आप इस पे म्यूजिक वगैरह या मूवीज वगैरह बहुत देखते हो तो सिंगल ही स्पीकर है, इस चीज का ध्यान देना। वैसे हेडफोन जैक भी दिया है इन लोगों ने, लेकिन ये भी ध्यान देना कि डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देते हैं। और काफी लोग अगर परेशान थे कि सिंगल स्पीकर है, इस प्राइस में ड्यूल स्पीकर दे रहे हैं रेडमी वाले, लेकिन एक बात बता दूं, इनकी क्वालिटी बहुत कमाल की है, मजा आएगा आपको, सुपर लाउड है, आप मिस नहीं करोगे ड्यूल स्पीकर को। बट कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मोटो वालों ने प्रोसेसर में कॉस्ट कटिंग की है 480+ देके, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रोसेसर का सिर्फ नाम छोटा है। Geekbench स्कोर जब मैंने कंपेयर किए Redmi Note 10 Pro से, जिसमें Snapdragon का 732G है जो कि बहुत पावरफुल प्रोसेसर माना जाता है, एंड उससे अगर कंपेयर करो तो स्कोर्स देखो कितने करीब आ रहे हैं उसके। एंड इसमें जो स्टोरेज इन लोगों ने यूज़ किया उसमें भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं, नाम इसमें भी UMCP का स्टोरेज है, लेकिन रीड एंड राइट स्पीड्स देखो वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो इतना अच्छा प्रोसेसर, इतनी अच्छी स्टोरेज और इतनी अच्छी मोटो की UI, बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस मिलने वाली है 120Hz के साथ, तो बिल्कुल उड़ेगा ये फ़ोन, अटकेगा नहीं फ़ोन, टेंशन मत लेना इस चीज़ की। और गेमिंग वगैरह करते हो तो 40 FPS तक की गेमिंग कराता है, स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग सपोर्ट करता है। और जब मैंने FPS मीटर के साथ चेक किया तो कॉन्स्टेंट 40 FPS दे भी रहा है, तो काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस है। और अगर आप जायरो प्लेयर हो तो जायरो सेंसर दिया भी है इसमें और बिल्कुल भी डिले नहीं है, तो जायरो के साथ भी खेल सकते हो। और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यार, ठंडिया वैसे ही ऑलरेडी है, और CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट मैंने 3 बार रन किया और ऐसे रिजल्ट्स अभी तक किसी फोन में नहीं आए। इस हफ्ते में मैंने जितने भी मीडियाटेक के फोन टेस्ट किए हैं बिल्कुल भी थ्रॉटलिंग देखने को नहीं मिली, तीनों बार नो थ्रॉटलिंग लिखाया। एंड तीनों टेस्ट करने के बाद तुरंत मैंने इसका बॉडी का टेम्परेचर भी चेक किया, 37-38 डिग्री, तो ये फोन गर्म भी नहीं होगा। और सुबह इस फोन में मैंने सिम भी डाल दी थी, तो ये फोन 4G+ भी सपोर्ट करता है, मतलब 4G एग्रीगेशन। और बढ़िया बात यह है कि 12 5G के बैंड सपोर्ट करता है, तो जब भी 5G आएगा इस फोन में तो जरूर चलेगा। अभी इस फोन में 2 माइक दिए हुए हैं, तो आपको कॉल क्वालिटी भी सुना देता हूं। तो मैंने TV पे ट्रैफिक साउंड ऑन किया है, देन कॉल लगाया, अब आप सुनिए कॉल क्वालिटी।
अगर आपके आसपास ट्रैफिक होगा तो कुछ इस तरीके से इसका माइक कॉल के सराउंड साउंड करेगा। और कॉल क्वालिटी तो आपको काफी अच्छी देखने को मिल रही है दो माइक की वजह से, बट एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे गूगल का ही डायलर है, तो अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग पे दबाओगे तो जिससे आप बात कर रहे हो उसको भी पता चल जाएगा कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। और कैमरे के क्या कहने, यहाँ पे पीछे आपको तीन कैमरे मिल रहे हैं, 50 मेगापिक्सल का एक है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। तो 2 मेगापिक्सल वाला मैक्रो को तो छोड़ो, लेकिन बाकी दो कैमरे दिन में बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। ये फोटो देखो 50 मेगापिक्सल वाली है, लेकिन डिटेल कितनी कमाल की है, स्किन टोन स्पेशली बहुत ही कमाल का है, कलर्स वगैरह देखो, ओवरऑल फोटो दिखने में बहुत कमाल की लग रही है, स्काई वगैरह देखो कितना कमाल का एक्सपोजर मेंटेन किया है। एंड जैसे ही मैं 8 मेगापिक्सल वाले अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट हुआ तो मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मैं एक लो रिजोल्यूशन वाले कैमरे पे हुआ, तो डे टाइम में इतना अच्छा और बहुत सिमिलर फोटोज निकाल रहा है। पोर्ट्रेट शॉट्स भी ट्राई किए थे, एज डिटेक्शन और ब्लर बहुत ही कमाल का है, बट कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाती है लो लाइट में। जब मैंने फोटोज खींची तो डिटेल वगैरह इतनी नहीं आ रही नाइट मोड यूज करके, और कलर्स वगैरह भी इतने अच्छे नहीं आ रहे, और अल्ट्रा वाइड में तो आप नाइट मोड यूज कर ही नहीं सकते, इसकी वजह से नॉइज वगैरह बहुत आती है, तो अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आप लो लाइट में यूज नहीं कर पाओगे। सामने वाले कैमरे की भी सेम कहानी है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, डे टाइम में स्किन टोन देखो कितनी कमाल की, डिटेल वगैरह कितने कमाल के हैं, कलर्स वगैरह और ओवरऑल फोटो कितनी कमाल की दिख रही है, स्काई वगैरह देखो बहुत ही ऑन पॉइंट है, पोर्ट्रेट शॉट्स भी ट्राई किए थे बिल्कुल ब्लर और एज डिटेक्शन बहुत ही अच्छा है, बट लो लाइट फोटोज देखो ये नाइट मोड यूज करके है और इसमें डिटेल वगैरह और कलर्स वगैरह इतने अच्छे नहीं आ रहे, तो डे टाइम में इस प्राइस में ये फोन किसी को भी बीट कर सकता है कैमरे में, लेकिन लो लाइट में इस फोन को अपने कैमरे पे काम करना चाहिए। बट ओवरऑल यही कहूंगा कि एक ही दिन में मैंने इतना सब टेस्ट किया है और एक दिन में ये फोन मुझे बहुत पसंद आया, स्पेशली 15,000 में काफी बेटर डील लग रही है। कुछ कमियां निकालने जाऊं अगर जबरदस्ती तो यस, लो लाइट का कैमरा इन्हें बेहतर करना चाहिए। दूसरी जो चीज है कि स्टोरेज हो सकता है किसी लोगों को कम पड़ जाए, बट इसके अलावा अगर आप वेट कर सकते हो, यस मैं इसे 7 दिन तक यूज करूंगा अब, एंड उसके बाद इसकी बारीक से बारीक चीजें टेस्ट करेंगे ताकि इसके बारे में हर चीज पता चल पाए, लेकिन अगर आप वेट नहीं कर सकते तो 15,000 में बहुत एक सॉलिड डील फील हुई मुझे। और अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, बहुत सारी चीजें एक दिन में मैंने कोशिश की है बता दूं आप लोगों को, तो अगर पसंद आई है तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, इससे ये भी होगा कि वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी वीडियोस और मिलती रहेंगी और आपको इसका 7 दिन का रिव्यू भी मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑफ फॉर ऑल।